अस्सलाम वालेकुम फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स बाय निकी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर, और आ गई हूँ मैं लेकर आप सबके लिए एक नई और मज़ेदार रेसिपी। तो आज की हमारी रेसिपी है आलू मेथी की सब्ज़ी। जी हाँ, जो मेथी बच गई थी पराठों में से, थेपले में से, वो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर ली। मेथी का सीज़न है तो सोचा कि क्यों ना उसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए। तो जल्दी से देख लीजिए इसमें यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स। नॉर्मल और बेसिक सी सब्ज़ी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। सिंपल सी लेकिन हेल्दी सी रेसिपी है। तो ले लिया है मैंने फ्राई पैन, गर्म होने के बाद डाल दिया है उसमें मैंने तेल। और जैसे ही तेल गुस्से में लाल हो जाए, यानी कि एकदम गर्म हो जाए, वैसे ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज यानी कांदे। मीडियम साइज़ के कांदे लीजिए अपनी भाजी के हिसाब से, ज़्यादा कांदे नहीं लेना वरना भाजी जो है आपको मीठी मीठी सी लगने लगेगी। तो अच्छी तरीके से हम कांदे को इसमें पका लेंगे जब तक कि ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएं या फिर थोड़े पिंक कलर के हो जाएं। तो इसे अच्छे से आप मिक्स करते रहिए, और जब तक हमारे कांदे पकते हैं जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, खूब सारा इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। मम्मा ने सिखाया होगा ना जब आप छोटे होंगे तब, तो उस चीज़ को फॉलो कीजिए। तो जब टमाटर सॉरी जब मेरे कांदे हो गए थे, हाँ अभी टमाटर डाला है मैंने इस पर फ़िलहाल, जब आपसे बातें करते करते जो है मेरे कांदे अच्छी तरीके से पक गए थे तो मैंने उसमें डाल दी थी हरी हरी मिर्च। जी हाँ, हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ा पकाया मैंने कांदे के साथ में, उसके बाद डाला मैंने टमाटर, टमाटर को थोड़ा पकाया, उसके बाद मैंने डाला है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक लहसुन नहीं है तो आपको पता है क्या करना है, अगर आपको नहीं पता है तो जाइए मेरी पुरानी वीडियोज़ देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जल्दी से जाइए फॉलो कीजिए। जल्द ही एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा सा गिव अवे आने वाला है मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पर, तो जल्दी से जाइए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वेट कीजिए रमज़ान के गिव अवे का। बेस्ट गिव अवे होगा और बहुत ही बड़ा गिव अवे होगा। जब तक के लिए देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, डाल दिया है पानी, नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आलू, बारीक कटे हुए आलू। आजकल इंस्टाग्राम पर एक रील बड़ी वायरल हो रही है, क्या आपको इंग्लिश आती है, कब सीखेंगे आप इंग्लिश? तो मैं भी थोड़ा उसी स्टाइल में कोशिश कर रही हूँ, आई होप मैं जल्दी इंग्लिश सीख जाऊँ। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको इस भाजी में डालना होगा लाल मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने डाल दिया है, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, लगभग एक चम्मच के बराबर, और मेरा पर्सनल फेवरेट धनिया पाउडर, यस धनिया पाउडर 2.5 चम्मच। अब इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और देखिए आप कितनी बढ़िया से इंग्लिश बोलने लगेंगे। जैसे आप इसे पका लेंगे इस तरीके से तो आप इसे मेथी नहीं फेनेग्रिक कहेंगे। ये आपको मेरा चैलेंज है, चैलेंज। जोक सपाट। अब यहाँ पे मैं थोड़े से टेस्ट के लिए डाल रही हूँ जीरा पाउडर, ये टोटली ऑप्शनल है, बट आप चाहें तो ना डालें, चाहें तो डालें, आपकी मर्जी है। आप बोल सकते हैं मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मैं चाहे जीरा पाउडर डालूँ, मैं चाहे जीरा पाउडर ना डालूँ, मेरी मर्जी। तो आप बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हो, कोई आपके कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखने वाला है कि जीरा पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है बाबू मशाई। ओके, नेक्स्ट यहाँ मैंने डाल दिया है मेथी की सब्ज़ी, अच्छी तरीके से धो लिया है इसे मैंने, बिल्कुल उस तरीके से धोया है जिस तरीके से धोबी घाट पर कपड़े धुलते हैं, समझ आइए। तभी जाकर इसके अंदर की सारी मिट्टी निकलेगी, सारे जर्म्स निकलेंगे, सारे कीटाणु निकलेंगे, और आपको मिलेगी एक साफ सुंदरम सुंदरी मेथी की सब्ज़ी सब्ज़ी सब्ज़ी।
अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे और ऊपर से हम डाल रहे हैं ज़रा थोड़ा सा सजावट के लिए खोपरा, कसा हुआ खोपरा यानी कि ग्रेटेड कोकोनट। देखिए ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं डालिए, मैंने डाला है क्योंकि मेरी मर्ज़ी, ऐसा नहीं है मेरी मर्ज़ी नहीं है, बट हाँ मुझे कुछ कुछ भाजी में जो है इसका टेस्ट अच्छा लगता है। ढककर पका लिया मैंने इसे लगभग 10 मिनट के लिए और देखिए हमारी मेथी की भाजी हो गई तैयार। मैं तो जा रही हूँ खाने के लिए इसे गरम गरम रोटी के साथ जो मेरी मॉमी ने मेरे लिए बनाई है, तो आप भी जल्दी से जाइए सब्ज़ी बनाइए खाइए इससे पहले कि मेथी जो है मार्केट से चली जाए। तो पकड़ लीजिए जल्दी से बनाइए, खुद खाइए सबको खिलाइए क्योंकि बहुत हेल्दी होती है। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।